हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित कैथ स्वागत करता हूँ हरियाणा कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब तक हमने अनुपात समानुपात की दो वीडियो आ चुकी हैं और जो सेकंड वीडियो थी उसमें सिक्के वाले प्रश्न कर रहे थे। सिक्के वाले प्रश्न में आपको मैंने बताया था कि यदि उनकी संख्या का अनुपात दिया है तो मूल्य का अनुपात निकालना, यहीं पर ख़त्म किया था। आगे यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है, एक थैले में एक रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के 340 सिक्के हैं। 340 सिक्के हैं जिनके मूल्य का अनुपात जिनके मूल्य का अनुपात 5:4:1 है। जिनके मूल्य का अनुपात 5:4:1 है, तो किसी की भी पूछ ले भाई, मैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान दे, प्रश्न क्या है, देखो, एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के 340 सिक्के हैं जिनके मूल्य का अनुपात कितना है, 5:4:1, तो बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। ध्यान देंगे भाई, कल मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था उसमें बताया था आपको संख्या का अनुपात, और जिसमें संख्या का अनुपात दिया गया था उसमें हमने निकाला था मूल्य का अनुपात। आज हमें दिया क्या गया है, मूल्य का अनुपात। निकालेंगे क्या, संख्या का अनुपात। ध्यान दें, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, मूल्य का अनुपात है 5:4:1। मूल्य का अनुपात है तो किसका अनुपात बताना है, संख्या का अनुपात। देखो भाइयों, आपने एक बंदे से मांगे 5 रुपये, एक बंदे से मांगे 5 रुपये, बंदा कहता है मेरे पास तो 21 के सिक्के हैं, बता संख्या में कितने सिक्के दूं। देखो, अगर 5 रुपये मांगे और 1-1 के सिक्के हैं, तो 1 रुपये का एक सिक्का कितने सिक्के चाहिए, 5। आपने कहा जी 4 रुपये दे दो, बंदा कहता है मेरे पास तो 50-50 के सिक्के हैं, कितनी अठन्नी मिलकर 1 रुपया बनाऊंगी, 2 अठन्नी, 1 रुपये चाहिए हैं, 4 4 2 8। प्लस में हमने कहा जी 1 रुपया दे दो, बंदा कहता है मेरे पास तो चमन्नी है, 25 पैसे हैं, कितनी चमन्नी चाहिए, 4। बोलो भाई, मतलब भाग करना है क्या, अगर 5 रुपये चाहिए 1-1 के सिक्के हैं तो 5, 4 रुपये चाहिए हैं, 8 अठन्नी है, तो क्या 8 अठन्नी, 2 अठन्नी मिल के 1 रुपया बनाऊंगी, हमने चाहिए 4 रुपये, तो 4 2 8, हमने चाहिए 1 रुपया और चमन्नी है तो कितनी चमन्नी मिलके 1 बनाऊंगी, 4। अगर हमें मूल्य मिला होता 5 4 1, तो संख्या 5 और 8 13 और 4 17 होती, क्लियर है, लेकिन सिक्कों की संख्या 17 नहीं है, कितनी है, 340 है, कितने गुना है, 20 गुना है। अब संख्या चाहिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 8 है, लेकिन असली वैल्यू 20 गुना है, तो 8 गुना 20 कितना हो गया, 160 आंसर। देखो भाई, दोबारा देखें, उतार ले एक बार इसको। एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 340 सिक्के हैं जिनके मूल्य का अनुपात है 5:4:1। अगर मूल्य का अनुपात है तो निकालना है संख्या का अनुपात, और अगर संख्या का अनुपात दिया है तो निकालना है मूल्य का अनुपात। ये बात ध्यान रहे आपको। देखो जी, मूल्य का 5:4:1 है तो संख्या का निकाला, हमने कहा 5 रुपये दे दो 1-1 के सिक्के, बंदा कह देगा 5, हमने मांगे 4 रुपये, उसके पास हैं 8 अठन्नी, 2 अठन्नी मिलकर 1 रुपया बनाऊंगी, हमने चाहिए 4, तो 4 2 8, अब हमने चाहिए 1 रुपया, उसके पास है चमन्नी, तो 4 चमन्नी मिलकर 1 रुपया बनाऊंगी, तो 4। अगर ये अनुपात होता तो असली वैल्यू 5 और 5 8 4 होती असली संख्या, तो असली संख्या अगर जोड़ूंगा 8 और 5 13 और 4 17 नहीं है, कितनी है, 340,
अगर ये डायरेक्ट बात ना समझ आए तो लिख सकते हो 17 की वैल्यू 340, एक की वैल्यू 340 बटे 17, और जिसकी भी निकालनी है 50 की पूछे तो 8 से गुना, 25 की पूछे तो 4 से गुना, और एक की पूछे तो 5 से गुना। बात खत्म। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टाइप है ये, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका भाई। क्वेश्चन है एक थैले में 5 रुपए, एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपये के 58 सिक्के हैं। 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के 58 सिक्के हैं, जिनके मूल्यों का अनुपात 20 अनुपात 10 अनुपात 20 है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, क्वेश्चन है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान दें भाई, एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, और कितने सिक्के हैं? 58 सिक्के हैं। देखो भाई, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, इनके मूल्य का अनुपात कितना है? 20 10 20। किसका अनुपात चाहिए? संख्या का अनुपात। ध्यान दे, मूल्य का अनुपात दिया तो निकालूंगा संख्या का अनुपात। मूल्य का अनुपात 20 10 20 है। जैसे मैं बोलू हमें चाहिए जी 20 रुपए, बंदा कहता है 5 5 के सिक्के हैं, बता कितने दूं? 5 5 के सिक्के 20 कन खातर कितने मांगूंगा? 4। इसी तरीके से वो मैंने कहा जी 10 रुपए दे दो, बंदा कहता है मेरे पास तो 2 2 के सिक्के हैं, बता कितने दूं? कितने मांगूंगा? 5। मैंने कहा जी 20 रुपए दे दो, कहता है मेरे पास तो 1 1 के सिक्के, बताओ कितने मांगूंगा? 20। अगर ये मेरा असली वैल्यू होता तो मेरी असली संख्या 4 5 20 होती, मतलब टोटल संख्या 29 होती, लेकिन टोटल संख्या 29 नहीं है, कितनी है? 58 है। 29 नहीं है, 58 है, कितने गुना है? 29 × 58 दो गुना है। 5 रुपए के सिक्के की संख्या पूछी है 4, लेकिन असली वैल्यू 2 गुना है, तो कितना उत्तर आ गया? 8। आंसर उतार ले इसे। क्लियर है? देखो भाई, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के 58 है, मूल्य का अनुपात 20 10 20 है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी थी। मूल्य का अनुपात है तो संख्या का अनुपात निकाल लूंगा। मूल्य का अनुपात था 20 10 20। अगर 20 रुपये चाहिए 5 5 के सिक्के हो तो 4 चाहिएंगे, अगर 10 रुपए चाहिए 2 2 के हैं तो 5 चाहिएंगे। इसी तरीके से 20 हैं और 1 1 के हैं तो 20 चाहिए भाई। टोटल कितने रहे? 5 और 4 9 और 20 29 रहे, लेकिन 29 नहीं है, 58 है, कितने गुना है? 2 गुना है, तो असली वैल्यू 2 गुना है, तो 4 2 8। आंसर इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइप पे चले, क्वेश्चन है, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 1:2 है। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 1:2 है। इन दोनों की बराबर मात्रा को
इन दोनों की बराबर मात्रा को तीसरे बर्तन में मिलाने पर अनुपात क्या होगा? इन दोनों की बराबर मात्रा को तीसरे बर्तन में मिलाने पर अनुपात क्या होगा? रकम पढ़े, क्वेश्चन है, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 1:2 है, इन दोनों की बराबर मात्रा को तीसरे बर्तन में मिलाने पर अनुपात क्या होगा? बहुत बेसिक टाइप है भाई फिलहाल इसकी। देखें अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों की बराबर मात्रा को तीसरे बर्तन में मिलाने पर अनुपात क्या होगा। इससे आगे इसकी टाइप रहेगी, जैसे ध्यान दियो एक बार सुनियो, प्रश्न मिला के दो बर्तनों में अनुपात इतना है, तीसरे बर्तन में यहाँ पे बाउंडेशन दे देगा, तीसरे बर्तन में दोनों को जैसे दे दिया 4:5, 3:2, 1:2, आधा आधा मिलाने पर अनुपात क्या होगा। फिर जो तीसरी टाइप रहेगी उसमें क्या कहेगा, पहले में अनुपात इतना है, दूसरे में इतना है, बताओ इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया होगा कि तीसरे में अनुपात ये बने। तो ये जो तीसरी टाइप है ये मिश्रण के टॉपिक में सीखेंगे। यहाँ पे दो टाइप लाई करती है अनुपात समानुपात में। देखो भाई, मैं जो पहला बर्तन है उसे नाम दे रहा हूँ ए, और जो ए बर्तन है उसमें जो दूध और पानी है उसका अनुपात है 2:3। जो बी बर्तन है इसमें अनुपात है 1:2। अब ये कहता है कि बराबर मात्रा, कौन सी मात्रा, बराबर मात्रा, और अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दूंगा तो देखो ये 2:3, 5 और ये 1:3, तो ये 5:3 में चले जाएंगे, लेकिन इन्हें 5:3 में नहीं भेजना, किस में भेजना है, बराबर। तो बराबर करने के लिए क्या करें, इनकी आपस में गुणा कर दो, इसकी गुणा 3 से, इसकी गुणा 5 से। अब देखो इसकी 3 से करोगे तो 3×2=6 होगा, 3 से करोगे तो 3×3=9 होगा, ये वाला ए हो गया। इसकी 5 से करोगे तो 5×5 होगा, 5 से करोगे तो 5×2=10 होगा। अब ये वाला ए है, ये वाला बी है, इन्हें जोड़ दो, 6×5=11, 10×9=19, कितना आंसर आ गया, 11:19। अगर बराबर मात्रा बोला है तो बराबर लो, ठीक है, जैसे 2:3 है 5 आ गया, 1:2 है 3 आ गया, 2:3 लूंगा तो 5, 1:2=3, लेकिन बराबर मात्रा होनी चाहिए। तो बराबर मात्रा करने के लिए क्या करोगे, आपस में गुणा कर दो, आपस में गुणा करते बराबर हो जाने हैं, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5, और पर गुणा भाई, क्लियर है। 3 से करूंगा 3×2=6, 3 से करूंगा 3×3=9, 5 से करूंगा 5×5, 5 से करूंगा 5×10, उसके बाद इन दोनों को जोड़ूंगा, 6×5=11, 9×10=19, तो तीसरे बर्तन में जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 11:19, क्लियर है, इरेज कर रहा हूं। तो जो बराबर टाइप है वो यहां से होगा। अब जैसे प्रश्न ये मिला, दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 1:2 है, इन दोनों को, क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा हूं मैं, ये इन दोनों को 2:1 के, इन दोनों को 2:1 में मिलाने पर, इन दोनों को 2:1 में मिलाने पर तीसरे बर्तन में अनुपात क्या होगा, इन दोनों को 2:1 में मिलाने पर तीसरे में अनुपात क्या होगा। देखो भाई, पहला बर्तन ए है, ए में दूध और पानी कितना है, 2:3, दूसरा बर्तन बी है, बी में अनुपात कितना है, 1:2। अब
अगर मैं इन्हें डायरेक्ट जोड़ूंगा तो ये किस में चले जाएंगे, 5:3 में, लेकिन भेजने किस में है, 2:1 में। अब 5:3 है तो एक बार इसकी गुणा 3 से करो, एक बार इसकी गुणा 5 से करो। जैसे ही मैंने इसकी गुणा 3 और 5 से करी, ये बराबर हो गए। देखो 5 × 3 = 15 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया। 15:15 का मतलब है 1:1। उसके बाद जिस भी अनुपात में भेजने हैं उससे गुणा कर दो, हो गया प्रश्न। दोबारा देख ले एक बार, पहले तो जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद देखो अनुपात क्या बना है, अनुपात बना क्या, उसके बाद बराबर कर दो। बराबर करने का मतलब है अनुपात हो गया मेरे भाई 1:1। अब जैसे ही 1:1 हो जाता है, जिस भी अनुपात में भेजने हो उससे गुणा कर दो। अब ओवरऑल इसकी गुणा 6 से है और इसकी गुणा 5 से है, 6 से करो, 6 × 12, 6 से करो, 6 × 3 = 18, 5 से करो, 5 × 1 = 5, 5 से करो, 5 × 10, अब इन्हें जोड़ दो, कितना आ गया, 17:28। बहुत अच्छे प्रश्न है। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 1:2 है, दोनों को 2:1 में मिलाने पर अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छी टाइप है भाई, जबरदस्त टाइप है। तो दोस्तों आज के लिए छोटी सी वीडियो बनाई है, एक बार बाहर जाना था मेरे को तो जाते जाते एकदम वीडियो बनाने का मन हो गया था। ठीक है, इस टाइप को कवर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू भाई।